ऑल्ट बालाजी पे एकता कपूर एंड शोभा कपूर ने एक वेब सीरीज रिलीज करी है जिसका नाम है XXX अनसेंसर्ड 2। ठीक है, जिसमें कि आर्मी के जवानों, उनकी फैमिली, उनकी वर्दी टोटली डिसरिस्पेक्ट करा गया है। एक डिस्क्लेमर डाल देने से कुछ नहीं होता, आपने एक सफाई दे दी डिस्क्लेमर में, इससे कुछ नहीं होता। आपको एक सामान्य भारतीय नागरिक होने के नाते कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो समझनी चाहिए कि क्या दिखाना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। आपको इस चीज तक की पहचान नहीं, जो काम पाकिस्तान, चाइना और ISI जैसे बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप नहीं कर पाए, वो काम आपने भारत में रहकर कर लिया। एकता कपूर जी, आप एक बात बताओ कि आप इच्छाधारी हो या पीते होती है? जब एक आम आदमी सुबह के 3-4 बजे चैन की नींद सो रहा होता है, तब एक जवान सेना पे तैनात होता है और आपने अपने धंधे के लिए उनकी इज्जत को, उनकी वर्दी को और उनके परिवार की इज्जत को दांव पे लगा दिया। कहने का तो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं, आपके सीरियल पता नहीं कब से चले आ रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सेंसलेस सीरियल चला जा रहा है, और आपने जो ये वेब सीरीज बनाई है XXX अनसेंसर्ड 2, आपने एक आर्मी के जवान की वाइफ को इतने गंदे तरीके से दिखाया है, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर इस वेब सीरीज को देख के कोई इंस्पायर होता है और वो आने वाले कल में हमारे भारतीय जवानों की, आर्मी वालों की बहन, माँ, बेटी, बहू को गंदी नजरों से देखता है, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। कानून सारे साइड में रखते हैं, लेकिन आपका एक सामान्य भारतीय नागरिक होने के नाते कुछ फर्ज बनते हैं, कुछ कर्तव्य बनते हैं। अगर आप हमारे जवानों की इज्जत नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट बेइज्जती तो मत कीजिए। आपके घर से कोई आर्मी में होता तो शायद आपको पता चलता। मेरे को तो लग रहा है आपके पूरे खानदान से कोई आर्मी में नहीं होगा तो आपने ऐसे काम किए हैं। मेरे को एक और बात पता चली है, इंडिपेंडेंट भारत में भी डिपेंडेंट लोग रहते हैं। अब आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की। जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो उनका क्या दायित्व है? क्या उनका काम सिर्फ फिल्म में आर्मी मैन बनना है, फौज की वर्दी पहनना, जब एक्चुअल में रियल लाइफ में एक आर्मी मैन के ऊपर, आर्मी मैन के फैमिली के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर कुछ लांछन लगा है, तो आप लोग कहाँ सो रहे हैं? बात आती अगर किसी नेता की, बात आती अगर किसी सेलिब्रिटी की, तो एकदम एजेंडे खड़े हो जाते, न्यूज चैनल वाले सारी रिपोर्टें कवर करने लग जाते। लेकिन नहीं, यहाँ पे है बात एक आर्मी मैन। और हमेशा से देखा गया है, जब जब आर्मी पे बात आई है, ना ही किसी सेलिब्रिटी ने आवाज उठाई है, ना ही किसी बड़े नेता ने आवाज उठाई है। मतलब यार कैसे लोग हैं इस देश में। ऑल्ट बालाजी पे विदाउट सेंसर बोर्ड आप वेब सीरीज रिलीज कर रही हो, आपकी वेब सीरीज भी सेंसलेस है आपके जो टीवी सीरियल थे उनकी तरह, कभी खत्म नहीं होती हो, ये भी एकदम टोटली सेंसलेस है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखाना ही था तो आप XYZ किसी को भी उठा सकते थे और ऐसा कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने आर्मी को टारगेट किया। आपके सारे डिफेंस, अभी सारे एक्ट, अभी कोई भी आपके खिलाफ नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी जो है, स्वतंत्रता से चार दीवारी के अंदर कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन इसको साइड में रखते हैं। और आम भारतीय नागरिक होने के नाते आप उनको क्या परोस रही हैं, क्या दिखा रही हैं, ये किस गिरी हुई सोच से आप ये सब कर रही हैं, ये मेरे समझ में नहीं। एकता कपूर एंड शोभा कपूर, आपने राष्ट्रद्रोह का काम किया है, क्योंकि इतने सालों से जो दुश्मन देश पाकिस्तान और आतंकवाद, इसको करने में नाकाम था, आप लोगों ने वो भारत के अंदर रह के कर दिया। वेब सीरीज में आप दिखा रहे हो एक आर्मी मैन की वाइफ है, उसका गैर संबंध है किसी दूसरे लड़के से, फिर उसको बुलाती है। क्या आप जानते हैं एक आर्मी मैन की वाइफ की जो लाइफ होती है वो कितनी डिफिकल्ट होती है? शायद आपका इसको कोई अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि आपके घर से, आपके पूरे खानदान से कोई आर्मी में नहीं होगा।
पैसे कमाने के लिए इतना भी मत गिर जाओ कि वतन के ऊपर आ जाए, हमारी सेना के ऊपर आ जाए। दिन रात वो बॉर्डर पे, अभी इस कोरोना की सिचुएशन में हमारे लिए पता नहीं कितनी कठिनाइयां झेल रहे हैं और हम उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपकी क्या सोच है, क्या आप सोचती हैं, आप एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी ऐसी सोच रखती हैं, और तुम लानत है आपकी सोच को। एक आर्मी का जवान जो होता है वो निस्वार्थ भाव से जितना वो काम करता है, जितनी वो अपनी ड्यूटी निभाता है, भारत माँ के लिए निभाता है, हम सब देशवासियों के लिए निभाता है, और उसके हिसाब से उसकी जो तनख्वाह है वो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो आप तो 2 TV सीरियल कर दिए, लाखों छाप दिए, ठीक है, गंदी गंदी वेब सीरीज बना दिए तो लाखों छाप दिए। चलो आपको बनानी है तो बनाइए, ठीक है, लेकिन 72 आवर्स जैसी मूवी बनाइए, प्लस माइनस जैसी शॉर्ट फिल्म बनाइए। अगर आपको वेब सीरीज बनानी है तो जितनी सारी अच्छी चीजें हैं आर्मी की जो आप दिखा सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी मन की कल्पना करनी है, और पता नहीं किस गिरी हुई सोच के साथ आपने ये वेब सीरीज बनाई है। सीमा पे जो तैनात जवान होते हैं, जो हमारे सीमा के अंदर जो जवान होते हैं, और जितने भी पुलिस कर्मी होते हैं देश के अंदर, जितने भी फोर्सेज हैं, उनकी पहचान होती है वर्दी, चाहे वो उनके बदन पे हो या फिर उनके घर में टंगी हो, आन बान शान होती है हमारे जवानों की वर्दी। और आपने उस वर्दी का अपमान किया है, यानी आपने भारत माँ का अपमान किया है। सफाई देने के लिए मोहतरमा आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है, और आप फालतू के एक्सक्यूज देके कि हमने डिस्क्लेमर डाल दिया था, अरे वो हमको भी पता है आपने डिस्क्लेमर डाला था कि ये सारे चरित्र घटनाएं जितनी भी है ये सब काल्पनिक है, जो आपने दिखाना था वो तो दिखा दिया। डिसरिस्पेक्ट करनी थी आपने इंडियन आर्मी की, वो आपने कर दी, तो के डिस्क्लेमर फालतू का एक्सक्यूज देके फायदा क्या है। अभी आप एक दो वीडियो और बना देंगे, वीडियो रिमूव कर देंगे, माफी मांग लेंगे। वो कहते हैं ना कि उम्र तो बढ़ गई लेकिन दिमाग रह गया, बस थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, सेंसलेस चीजें और राष्ट्रीय हित में कुछ काम कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन कम से कम ऐसी उल्टी सीधी चीजें तो मत कीजिए। आपको जो बनाना है बनाइए, आपके पैसे है, आपकी मर्जी है, जहां लगाना है लगाइए, ठीक है, लेकिन जहां हमारे देश पे उंगली उठी तो हम हाथ दे देंगे पूरा। जहां कहीं पे भी हमारे जवानों के ऊपर कुछ भी गलत अनाप शनाप चीजें हुई तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। तो किसी भी भारतीय नागरिक का खून खौल उठेगा, इसीलिए अभी आपके ये हाल है, तो संभल जाओ। अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते एटलीस्ट बुरा तो मत करो, ठीक है, खासकर वतन के उसमें। कॉन्ट्रोवर्सी तो आपकी पहले से चली आ रही है, ना ही मुझे बॉलीवुड में इतना इंटरेस्ट है, ना ही मुझे वेब सीरीज में इतना इंटरेस्ट है, ना ही मुझे मूवीज देखने में इतना इंटरेस्ट है कि मैं इन्हें देख के इंस्पायर हूँ और इन वेब सीरीज को देख के इंस्पायर हूँ। मैंने देखी नहीं है, मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट आए हैं, कुछ वीडियोज आई हैं जिसके चलते मैं ये बना रहा हूँ। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि जो चीजें आपने देखी हैं तो आप उसे पर्दे के पीछे तक ही रखें, अपनी रियल लाइफ में ना आने दें तो ज्यादा बेहतर है। इसी नोट पे करते हैं वीडियो को क्लोज। जय हिंद, जय भारत।